हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, कैसी रही आपकी दुर्गा पूजा? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा गया होगा और बहुत एंजॉय किए होंगे। और हाँ, मैंने दुर्गा पूजा का एक वीडियो डाली थी, आप लोग देखे हुए या नहीं? अगर नहीं देखे हो तो लास्ट में मैं आई बटन में दे दूंगी, ऊपर में आप लोग वहां से क्लिक करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। और हाँ, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हरिद्वार का एक सीरीज बनाएंगे और वो सीरीज में हम एक एक करके मंदिर, सारा हरिद्वार का जो भी मंदिर है वो देंगे। तो चलिए, उस दिन तो हरिद्वार का पूरा वीडियो दे दिए थे, और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। और हाँ, आज हम देखेंगे मनसा देवी टेम्पल। और मनसा देवी के टेम्पल के जो भी वीडियो हम देखेंगे उसका रिव्यू तो देंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोग का देंगे। और हाँ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, कैसे मनसा देवी की उत्पत्ति हुई, कैसे उनको जैसे कि देवी मान्यता मिला, सारी बातें होगी। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, जो लोग आप लोग प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा, थोड़ा सा जील रहता है वीडियो बनाने का, नहीं तो नहीं रहता है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का मनसा देवी मंदिर। ये अद्भुत टीवी इंडिया चैनल का है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं पहले, फिर भी देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को भारत के हरिद्वार में स्थित सबसे आज दोस्तों मैं नीचे दे रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि इसे नीचे दूं या फिर पहले की तरह साइड में। शायद ही सुना होगा, ये मंदिर ऊंचे और दुर्गम भरे पहाड़ पर स्थित है, पर इसके बाद भी लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं। आखिर क्या है मनसा देवी मंदिर का रहस्य और लोग यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में क्यों आते हैं? इन सभी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी के यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहा जाता है कि माँ मनसा की शरण में आने वालों का कल्याण होता है, माँ की भक्ति से अपार सुख मिलता है। माता मनसा को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में जाना जाता है। माँ मनसा देवी का ये मंदिर हरिद्वार शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पहाड़ पर स्थित है। ये जगह एक तरह से हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण भाग में पड़ती है। नवरात्रों में माँ के दरबार में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के लोग माता से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुरादे माता जरूर पूरी करती है। कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ बताया गया है। उधर कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वासुकी नाग द्वारा बहन की इच्छा करने पर भगवान शिव ने उन्हें माँ मनसा को भेंट किया था। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएँ और 1 मुख है, वही दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएँ हैं। जैसे कि माँ का नाम है मनसा, यानी मन की कामना, माता की मूर्ति माँ मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी मुरादें लेकर कितने चुनरी लगा पाए, ये मानसिक वाला चुनरी पूरी होने के बाद उस धागे को खोलते भी है और फिर माँ का आशीर्वाद लेकर घर जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यहाँ धागा बांध कर जो भी मुरादें मांगी जाती है वो 100% पूरी होती है। और यही कारण है कि यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर भी माँ के दर्शन करने के लिए और माँ मनसा से अपनी मनसा मांगने आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई मनसा है जिसे आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो इस मंदिर में विराजमान माँ मनसा के दर्शन जरूर कीजिएगा और अपनी मनसा धागे के रूप में यहाँ जरूर बांधिएगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे इसके बारे में जरूरी जानकारियाँ हमने आप सभी के लिए इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी को सब्सक्राइब करके। चलिए, मैं आ गई अपनी स्टाइल पे। मुझे तो पता नहीं, यही अच्छा लगता है, जो भी एक्स्ट्रा दिखाना हो पिक तो यहाँ से दिखा लो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग को लेकिन अगर वो वाला अच्छा लगा कि बड़ा सा स्क्रीन है और नीचे वीडियो, तो बताइएगा, तो मैं हमेशा उसे ही दे दूँगी। तो चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। इन्होंने तो बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और बहुत जानकारी भी दिए हैं।
और पूरा इतना अच्छा से वीडियो दिखाए हैं। ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसमें देवी जी की मूर्ति बहुत क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। तो आप लोग को दर्शन लगे करके कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं ज़रूर ये दे दूँगी कि हाँ कैसे जाना है। वहाँ जो हरिद्वार से आप लोग को जाने के लिए मनसा देवी तो मंदिर तो पहाड़ के ऊपर है ना, तो बहुत मतलब ऊँचाई में है, तो वहाँ जाने के लिए आप लोग को पैदल का रास्ता भी है। पहाड़ में रास्ते में 2-3 किलोमीटर आएगा तो पैदल रास्ता भी है। और हाँ, जो रोपवे से आप आ सकते हो तो वो थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन पैसा उसमें लगता है, शायद 122 रुपया पड़ता है आपको जाना आना, मंदिर के जाना आना 122 रुपया पड़ता है। तो आप लोग जाके एक आदमी का, तो आप लोग वो जाके रिटर्न कर सकते हो। और वो इसमें मतलब 2-3 किलोमीटर यानी कि ज़रूर आप लोग को आधा घंटा 40-45 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन रोपवे से आप जाएगा तो 2-3 मिनट में पहुंच जाइएगा, तो इतना इजी है। और हाँ, रोपवे से आप जा सकते हो, लेकिन हाँ वहाँ धागा जो चुनरी दिखाया गया वीडियो में, चुनरी भी बांधते हैं और उसमें एक पेड़ में धागा भी बांधते हैं। आप लोग जाइएगा तो धागा ज़रूर बांधिएगा। और बोला जाता है कि इसमें जो भी मानसिक करते हैं, जो भी इच्छा होती है और माँ को बुलाते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। और एक खूबसूरत बात है कि आप एंट्रेंस करने के बाद ना एक बहुत अच्छा खासा मार्केट आपको मिल जाएगा, माँ के लिए चुनरी धागा या फिर कोई भी चीज़ें आप ले सकते हो। और बहुत अच्छा से एक बहुत बड़ा खूबसूरत मार्केट है वहाँ एंट्रेंस के बाद, और उसके बाद आप जाके जो भी आपको लेना है, प्रसादी मिठाई सारी चीज़ मिल जाएगी, और वहाँ से आप लेने के बाद माँ के पूजा के लिए जा सकते हो। तो चलिए, फिर हो गया, और कैसे जाना आना तो आपको पता चल गया। और हाँ, अब भी चलते हैं कि माता की जैसे कि कैसे उनका उत्पत्ति हुई। तो जैसे कि वीडियो में बोला गया कि हाँ, वो वासुकी जो कि शिव जी के गले में रहते हैं हमेशा, उनको एक बार इच्छा हुई कि उनको एक बहन होता, जैसे कि गणेश जी और कार्तिक जी की बहन थी। मैंने एक बार कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन भी डाली थी, आप लोग को याद है या नहीं है, अगर अटेंड किए होंगे तो ज़रूर याद होगा। तो उनका एक बहन भी थी, तो उनका बहन, तो उनका भाई बहन का प्यार देखते हुए वासुकी को इच्छा हुई कि हाँ मुझे भी एक बहन चाहिए, और वो जिद करने लगे शिव जी के लिए कि मुझे बहन चाहिए। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिए और शिव जी मना कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि उसे बोला जाता है कि वो हलाहल जो पिए थे ना शिव जी, उसी के आसपास था। तो शिव जी तो मना कर रहे थे, लेकिन जैसे कि वासुकी ने जिद किए तो शिव जी ने अपनी मानस पुत्री मनसा देवी को जन्म दिए, और क्योंकि उनका मानस पुत्री है इसलिए उनका नाम मनसा भी रखा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका हलाहल जो शिव जी पिए थे उनके मानस पुत्री है उसी टाइम के, तो बहुत उनका हलाहल जो विष का हलाहल है उनका प्रकोप बहुत था मनसा के ऊपर, और उनका जैसे कि वासुकी खुद नहीं सहन कर पाए कि इतना ज़्यादा हलाहल का विष का ताप था। तो वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की कि ये इतनी छोटी सी बच्ची है, जबकि उनका हलाहल के ताप को खुद वासुकी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बच्ची कैसे संभालेगी। तो जैसे इसके बारे में जैसे कि वासुकी ने प्रार्थना की है, तो शिव जी ने, इसका दो कहावत है, शिव जी ने एक कहावत में है कि उनको एक साथ बड़े कर दिए, तो कुछ साल बड़े कर दिए, तो और एक है कि उनको एक भक्त, बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के जो कि इस हलाल को सह सकते हैं थे, तो उनको परवरिश के लिए वहाँ छोड़ने के लिए वासुकी को बोला और वासुकी वहाँ पर छोड़ दिए थे। तो ऐसे दो तरह का कहानी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि बड़े हुए मनसा, तो उनको उनके पावर का धीरे 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 पता चल रहा था, क्योंकि शिव जी की बेटी है, बहुत सारी पावर थी, और फिर उनका विष का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत पावरफुल थी। तो उनको जैसे कि पता चला, वो क्या किया कि लोगों को उनको पूजा करने के लिए फोर्स करने लगे कि मैं इतनी पावरफुल हूँ, मुझे क्यों नहीं पूजा करना है। तो अगर मैं शिव जी की मानस पुत्री हूँ और गणेश जी को पूजा किया जाता है और कार्तिकेय को पूजा किया जाता है, तो मुझे क्यों नहीं। तो वो ऐसा कहते थे कि जैसे लोग ने उनको कोई पूजा करने के लिए बहुत मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि हाँ मुझे पूजा करो, लोगों को जैसे उसी टाइप का, जैसे वो अपना पूरा कोशिश कर लिए
उनको पूजा करने के लिए। तो जैसे कोई नहीं माने क्योंकि शिव जी के बहुत सारे भक्त थे, या फिर कोई अगर उनको प्रेयर करते थे, कोई अगर उनको पूजा करते थे तो वो बहुत आशीर्वाद दे के उनको पूरा सारी मनोकामना पूर्ण कर देती थी। लेकिन पूजा योग्य नहीं थी, जैसे कि कहा जाता है पूजा योग्य मतलब कोई किसी को पूजा करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता है, कोई किसी को टॉर्चर करके उनको पूजा करने के लिए तो नहीं मना सकता है ना। तो इसी वजह से वो पूजा की योग्य नहीं थी। तो फिर शिव जी के पास गई, शिव जी ने उनको बुलाया, जैसे शिव जी को पता चला तो उनको बुलाया, बहुत समझाए भी लेकिन वो नहीं समझी। तो फिर क्या किए शिव जी ने बोले कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पूजा पाना है तो तुम लोगों पर अत्याचार मत करो, मेरा एक भक्त है पृथ्वी लोक में चंद्रधर नाम के, तो अगर तुम उसे मोटिवेट कर लेते हो, अगर उसे तुम पूजा के लिए अपना पूजा के लिए मना लेती हो तो फिर तुम पूजा के लिए योग्य हो जाओगे और पूजा की मान्यता मिल जाएगा। तो फिर मनसा खुश हो गई और चली गई चंद्रधर के पास, उसे बहुत सारा प्रलोभन दिखाई, बहुत सारी मतलब चीज़ें देने की वादा किया, बहुत धन संपत्ति देने की वादा किया, लेकिन वो थी शिव भक्त, उनको क्या चाहिए तो उसको इस किसी में नहीं माने, और जैसे कि नहीं माने फिर उनके पर अत्याचार भी चालू हो गया, बहुत सारा कष्ट दिए उनको फिर भी वो नहीं माने, और उसके बाद क्या किया कि उनको 7 पुत्रों को मार दिए। तो लेकिन 7 पुत्रों को जैसे मारे उस टाइम, और एक पुत्र उनमें बच गया जो कि उसी टाइम वो पुत्रों के साथ नहीं था, उसका नाम है लक्ष्मीधर। तो वो जैसे कि वो बच गया, तो लेकिन उसका जिससे शादी होने वाली थी, उसका जिसके साथ शादी होने के लिए तय हुई थी, तो वो थी बहुत सौभाग्य लक्ष्मी, तो वो वरदान प्राप्त थी उसको, और सदा सुहागन रहने की वरदान प्राप्त थी। तो क्या कि लक्ष्मीधर के माता पिता ने ठीक किया कि उसको जरूर जल्दी से शादी कर देंगे। तो उस टाइम में भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की मनसा ने, बहुत ज़्यादा शादी रोकने की भी कोशिश की, लेकिन शादी हो गया। तो जैसे कि हो गया, उसके बाद क्या किया कि पहली रात को मनसा ने चाल करके उसमें एक, उनके पापा ने जो चंद्रधर ने एक इतना महल बनाया था कि जिसमें कोई भी घुस नहीं सकता, किसी चीज़ को घुसने की इजाज़त नहीं था, तो ऐसा महल बनाया था, वहाँ शादी किए थे। लेकिन मनसा ने क्या किया कि वहाँ पे भी जो काम कर रहे थे उनको बातें करके, उनको ब्लैकमेल करके उनको एक सुरंग बना ली जैसे कि वो जा सकती है। तो पहली रात को वो ऐसा इतना विष दी कि वो, जैसे कि लक्ष्मीधर ने क्या किया कि उनको ना मौत मिली ना ही जिंदगी, तो इस हालत में छोड़ दी ना, पूरा मार ही नहीं पाई तो पूरा नहीं मार सकती, और जिंदा भी नहीं है वो, एकदम सेंसलेस की तरह वो बेहोश होके पूरा, उनका जैसे आजकल आप कोमा भूल सकते हो तो उसी टाइप का उनका जिंदगी हो गया। और तब क्या कहे कि उनकी जो पत्नी भोला थी, उनका नाम भोला थी उनकी पत्नी के नाम, तो वो तो बहुत बड़ी भक्त थी, वो सती थी, उन्होंने क्या कहे कि देवी देवताओं को प्रेयर की और व्रत रखी कि खाना पीना छोड़ दी, कि जब तक उनके पति को ठीक नहीं किया जाता तो वो खाना पीना छोड़ देंगी। तो फिर क्या कहे कि शिव जी के प्रेयर के बाद शिव जी वहाँ आविर्भाव हुए, और जैसे कि शिव जी को पता चला कि ये मनसा देवी के कारण हुआ है, तो उन्होंने क्या किए कि उन्होंने बोले कि मनसा देवी को ठीक है, तुम देवी के लिए पूजा पाना चाहती हो, पूजनीय बनना चाहती हो, और तुम कुछ भी कर सकती हो, तो तुम्हारा मान्यता यही है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तो अभी इसको जिंदा करके दिखाओ, अगर तुम जिंदा कर देती हो तो तुम्हें पूजनीय बना दिया जाएगा। तो मनसा ने, लेकिन वो नहीं कर पाई, उनको जिंदा कैसे कर सकती हो, जिंदा नहीं कर पाई। तो फिर उन्होंने, उनको अपनी शक्ति का पता चला कि हाँ मुझसे भी कुछ है जो कि मुझसे भी नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने, उनको अपना भूल का एहसास हुआ और वो माफ़ी भी मांगी, और फिर शिव जी को उन्हें ज़िंदा करने के लिए बोली। तो शिव जी फिर उनको ज़िंदा किए, और उनके जो 7 पुत्रों को मार दिए थे मनसा, उनको भी ज़िंदा कर दिए। तो ये देखकर मनसा बहुत खुश हुई, और वो भी, उनको पूरा एकदम से अपनी भूल का पूरा पता चल गया। मनसा के बदलते स्वभाव को देखते हुए तो शिव जी ने फिर चंद्रधर को बोले कि तुम उनका पूजा कर दो, तुम पहली बार तुम पूजा करो, जो कि हमेशा से वो पूजनीय ही रहेंगी।
तो लेकिन मनसा ने बोली कि नहीं, उनको जैसे कि वो तो बहुत कोशिश की थी चंद्रधर को कोशिश अपनी पूजा करने के लिए, मनाने के लिए, तो अभी उनको तो गलती एहसास हो गया, तो वो बोली कि ठीक है तुम जिस हाथ से अपना शिव जी की पूजा करते हो तो मुझे उस हाथ से मत करो, तुम अपना उल्टे हाथ से मुझे पूजा करो तो वो मैं मुझे मिलेगा। और फिर श्रीधर ने उल्टे हाथ से फूल दिए, उल्टे हाथ से पूजा किए मनसा देवी की। तो उसी दिन के बाद से हमेशा मनसा देवी उल्टे हाथ से पूजा पाते हैं। हम हमेशा मनसा देवी मंदिर जो जाते हैं उल्टे हाथ से उनको फूल दिया जाता है, उल्टे हाथ से उनका पूजा किया जाता है। तो इसी तरह उनको पूजनीय बनी और उनका मंदिर बना। और फिर उनका जैसे कि स्वभाव है मनसा, वो कोई उनको पूजा करे तो अपने सारा वरदान उनको दे देंगे, तो अभी तक वही चलता आ रहा है। जो भी उनको पूजा करता है, जो भी मनसा रख के कुछ भी उनको मांगता है, भक्तिपूर्ण से उनको प्रेयर करता है, तो उन हर किसी के मनोकामना पूर्ण करती है, हर किसी के मनोवांछा पूर्ण करती है, तो सबका भला ही करती है। तो अभी भी जो भी आप लोग जाइएगा, अगर कोई मानसिक लेके वो धागा बांधिएगा और भक्तिपूर्ण से उनको मांगिएगा तो वो जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो अभी इतना ही। फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक और एपिसोड में और एक सीरीज में मनसा देवी के बाद। हम नेक्स्ट देखेंगे चंडी मंदिर का देखेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं चंडी देवी मंदिर वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।